नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो सेंट्रल न्यूज। मैं हूं बबली भाटिया। अब खबरें विस्तार से। भारत में कोरोना वायरस का कहर निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 75,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 75,083 नए मामलों के साथ संक्रमितों का आंकड़ा 55,00,000 को पार कर 55,62,664 हो गया। इस दौरान 1,053 मरीजों की मौत होने से मृतकों की संख्या 88,935 हो गई है। विश्व भर में भी कोरोना वायरस ने काफी कहर मचाया हुआ है। इस महामारी से 3,12,00,000 से अधिक लोग संक्रमित हो गए हैं और 9,63,00,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका की जॉन हॉपकिंग्स यूनिवर्सिटी के विज्ञान एवं इंजीनियरिंग केंद्र CSSE की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार कोरोना से विश्व भर में अब तक 3,12,45,797 लोग संक्रमित हुए हैं और 9,66,693 लोगों की मौत हुई है। वैश्विक महाशक्ति माने जाने वाले अमेरिका में कोरोना से संक्रमित होने वालों की संख्या 68,56,884 पर पहुंच गई है और अब तक 1,99,865 लोगों की जान जा चुकी है। भारत और चीन के बीच 14 घंटे चले छठे दौर की सैन्य वार्ता के दौरान पूर्वी लद्दाख में अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित टकराव बिंदुओं के पास तनाव कम करने के तरीकों पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले सैन्य अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस मैराथन वार्ता का परिणाम सोमवार को तत्काल पता नहीं चला है, लेकिन ऐसा समझा जाता है कि दोनों पक्षों ने वार्ता आगे बढ़ाने के लिए फिर से बैठक पर सहमति जताई है। लोकसभा में विपक्षी दलों की गैर मौजूदगी में श्रमिकों के कल्याण और उनके अधिकारों को मजबूत करने वाले सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, औद्योगिक संबंध संहिता 2020 और औद्योगिक संबंध संहिता 2020 और उपजीविका जन्य सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता 2020 विधेयक मंगलवार को ध्वनिमत से पारित किए गए। तीनों विधेयक पेश होने से पहले ही कांग्रेस, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी तथा समाजवादी पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों ने सरकार से किसान संबंधी विधेयक वापस लेने अथवा विधेयक में न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं हटाने की शर्त जोड़ने का लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से आग्रह किया, लेकिन जब उनकी बात नहीं मानी गई तो सभी विपक्षी दलों ने सरकार पर मनमानी करने का आरोप लगाते हुए सदन की कार्यवाही का बहिष्कार कर दिया था। जम्मू कश्मीर के बड़गाम जिले में मंगलवार को घेराबंदी एवं तलाश अभियान के दौरान सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में जैश ए मोहम्मद का एक आतंकवादी मारा गया और सुरक्षा बल का एक जवान घायल हो गया। एक पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि मुठभेड़ सोमवार रात शुरू हुई और अंतिम रिपोर्ट मिलने तक जारी रही थी। मुठभेड़ के दौरान आतंकवादी मंगलवार सुबह मारा गया, जबकि जवान सोमवार की रात में घायल हुआ था। नौहार्द के चदूरा चरार ए शरीफ में अभियान चलाए जाने के कारण हजरत शेख नूरदीन बली की दरगाह तक जाने वाली सड़क को बंद कर दिया गया। उन्होंने बताया कि आतंकवादियों की गैर मौजूदगी के बारे में खुफिया सूचना के आधार पर राष्ट्रीय राइफल्स, जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान दल और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने संयुक्त रूप से सोमवार शाम नौहार्द तथा चरार ए शरीफी में घेराबंदी तथा तलाश अभियान शुरू किया। अमेरिकी ओपन से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से बाहर होने के कुछ दिन बाद नोवाक जोकोविच ने सोमवार को डिएगो श्वात्जरमैन को 7.5, 6.3 से हराकर इटालियन ओपन टेनिस खिताब जीत लिया। इससे छह दिन बाद शुरू हो रहे फ्रेंच ओपन से पहले उनका आत्मविश्वास बढ़ा होगा। जोकोविच ने कहा कि मैंने अमेरिकी ओपन में जो कुछ भी हुआ उसके 4-5 दिन तक काफी उतार चढ़ाव मानसिक रूप से झेले। मैं स्तब्ध था। अमेरिकी ओपन में गुस्से में आकर जोकोविच ने एक लाइन जज के गले पर गेंद दे मारी थी। उन्होंने कहा कि लेकिन मैं उसे भूलकर आगे बढ़ गया। मैं हमेशा से ही ऐसा रहा हूँ, आगे की ओर देखता हूँ। रेडियो सेंट्रल न्यूज की टीम सभी देशवासियों से अपील करती है कि लॉकडाउन से ही कोरोना को रोका जा सकता है। आप घर के अंदर रहकर इस घातक वायरस से बच सकते हैं। जान है तो जहान है। आपका एक कदम आपकी जान के साथ साथ पूरे देश को कोरोना वायरस के तांडव से बचा सकता है। इसलिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।